हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। मेरे चलन पर अब सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। सिर्फ सूजी से हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वाला एक नाश्ता की रेसिपी। दोस्तों, इस नाश्ता को आप चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए वीडियो को हम देख लेते हैं। आप लोग मेरे चलन में नए हैं तो प्लीज मेरे चलन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पैन गैस में चढ़ा लिए थे, पैन हमारा गर्म हो चुका है। तो एक चम्मच घी डाल देते हैं और एक कप सूजी। सूजी को थोड़ा सा हम भून लेते हैं, बहुत ज्यादा सूजी को नहीं भूनना है, बस एक दो मिनट हम भून लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक दो मिनट हम सूजी को भून लिए हैं। तो अभी इसमें एक गिलास पानी लेंगे और सूजी में डाल देते हैं। अच्छी तरह सूजी में पानी को हम डाल दिए हैं और सूजी को मिला लेते हैं। अभी हम स्वाद के हिसाब से नमक भी डाल देते हैं। तो देखिए, स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिए हैं। अभी हम अच्छी तरह मिलाते रहेंगे सूजी को पानी सूखने तक, एक डो जैसा बन जाए उस टाइम तक इस तरह हम चलाते रहेंगे। तो देखिए, सूजी हमारा डो जैसा बन चुका है। तो अभी इसको एक थाली में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो सूजी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है दोस्तों। इसमें हम बारीक काटा हुआ कड़ी पत्ता को इस तरह डाल देते हैं एक चम्मच, और एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह अभी मिलाएंगे। तो बाइंडिंग के लिए मैं एक चम्मच गेहूँ का आटा डाल रही हूँ, ताकि ये तो सूजी है, जब हम इसको तलेंगे और फटेगा नहीं, तो इसीलिए हम एक चम्मच इसमें गेहूं का आटा डाल देते हैं। तो देखिए, हमारा डो बहुत ही एक सॉफ्ट वाला गूंथ के रेडी कर लिया हूं। तो अभी इसमें इस तरह बड़ा बड़ा लोई चाटो तोड़ लेते हैं और लोई को थोड़ा सा इस तरह हम हाथों से चिकना बना लेते हैं। तो देखिए, एक लोई हम अभी ले लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक लोई को मैं ले लिया हूँ, थोड़ा सा इस तरह हाथों में गोल कर लेते हैं और इसको एक बड़ा वाला रोटी हम बेल लेते हैं। थोड़ा सा चिपकेगा तो हम इसमें सूखा आटा डाल के रोटी को बेल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ा वाला रोटी हम बेल लिए हैं। इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, बस मीडियम साइज में रखना है। तो देखिए, इस तरह एक छोटा वाला गिलास लेंगे और इस तरह छोटा छोटा हम पूरिया जैसा कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चार ठो हम पूरिया काट लिए हैं। तो जब जो बच गया साइड में, इसको फिर से हम गोल बना लेंगे और इसको फिर से हम पूरिया बना लेते हैं। तो देखिए, इसको अभी हम प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह हम छोटा छोटा पूरिया पहले बना लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं उन लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हम सभी पुरिया को रेडी कर लिए हैं। तो अभी इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, इतना सारा हमारा छोटा छोटा पुरिया रेडी हो चुका है सूजी का नाश्ता। तो तेल पहले से मैं गैस में चढ़ा लिया था, तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो कढ़ाई में जितना आएगा उतना हम सूजी का नाश्ता को डाल देते हैं और अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो देखिए, पूरिया हमारा कितना सुंदर फुली फुली बन रहा है। ये बहुत ही इजी है नाश्ता बनाना दोस्तों, और खाने में बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा ये नाश्ता। तो इसी तरह हम सभी पूरिया को बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नाश्ता का कलर हमारा चेंज हो चुका है, हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो अभी इसको हम निकाल लेते हैं। तो सारे नाश्ता को हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी इस तरह हम उलट पलट करके इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये भी हमारा बहुत अच्छी तरह फुली फुली बना है। तो देखिए दोस्तों, ये नाश्ता भी हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो अभी इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दिख रहा है सूजी का हमारा ये नाश्ता। सिर्फ सूजी से बना है दोस्तों, तो
देखने में भी जितना सुंदर है और खाने में भी, और बहुत ही करारा क्रिस्पी बना है दोस्तों। तो एक बार आप लोग ये रेसिपी ट्राई करोगे तो तब पता चलेगा। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।